एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल पे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ में शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप कितनी आसानी से और फटाफट एयर फ्रायर में पनीर टिक्के की रेसिपी को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर टिक्का एयर फ्रायर में बनके तैयार होता है, तो चलिए बिना देर किए हुए रेसिपी को शुरू करते हैं। पनीर टिक्का बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 कप गाढ़ा दही लिया है। दही को मैंने इस तरह से 7 से 8 घंटे तक स्ट्रेनर में रख दिया है, तो दही का जो सारा एक्स्ट्रा पानी है वो निकल गया है और दही एकदम थिक हो चुका है। आप चाहें तो दही को किसी कपड़े में भी बांध के रख सकते हैं। अगर आप इस तरह से दही के पानी को नहीं निकालेंगे तो जो आपका मैरिनेशन है वो काफ़ी ज़्यादा पतला हो जाएगा और मसाला पूरा इधर उधर बह जाएगा और बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। तो ये स्टेप आप ज़रूर फॉलो करें। और जो ये गाढ़ा दही है इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। उसके बाद दही में यहाँ पे 2 टेबल स्पून भुना हुआ बेसन, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 मीडियम साइज का नींबू का रस, 1/2 टेबल स्पून गर्म मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे, 1 टेबल स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला पाउडर और 2 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल को ऐड कर देंगे। अब जितने भी मसाले हमने ऐड किए हैं उन्हें एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। उसके बाद मैंने यहाँ 250 ग्राम पनीर, 3 मीडियम साइज के अनियन और 3 मीडियम साइज के कैप्सिकम को ऐसे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब इन सभी को हम इस मैरिनेशन में ऐड कर देंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे 3 मीडियम साइज के टोमेटोज को भी ऐसे डाइस में कट कर लिया है और इसका जो पल्प है वो निकाल दिया है। टमाटर को भी ऐड करके सारी वेजिटेबल्स और पनीर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि मैरिनेशन सारी सब्जियों में अच्छी तरह से हो जाए। अब हमें इसे ढककर कम से कम आधे घंटे के लिए रेस्ट देना है, जिससे कि सारी सब्जियाँ और पनीर अच्छे से मैरिनेट हो जाए। आधे घंटे से ज़्यादा का टाइम हो चुका है और सारी सब्जियाँ अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है, तो अब मैं एयर फ्रायर के बास्केट को बाहर निकाल लूँगी और इसमें जो ट्रे है उसको भी मैं बाहर निकाल लूँगी। बास्केट के अंदर मैंने यहाँ पे पार्चमेंट पेपर को बास्केट की शेप में कट कर दिया है और इसे मैं बास्केट के अंदर लगा दूँगी। आप चाहें तो इसकी जगह एल्युमिनियम फॉइल को भी लगा सकते हैं। इसको मैंने इसीलिए लगाया है क्योंकि जो पनीर टिक्का है उसकी जो मैरिनेशन है वो बास्केट के अंदर फैल सकती है, इसीलिए मैंने यहाँ पर ये पार्चमेंट पेपर लगा दिया है, तो जो भी गंदगी होगी वो इस पार्चमेंट पेपर पर ही होगी। और वापस से मैंने इस ट्रे को बास्केट के अंदर प्लेस कर दिया है। अब ट्रे में हम हल्का सा ऑयल अप्लाई कर देंगे, जिससे कि जो पनीर टिक्का है वो ट्रे में चिपके ना। इसके बाद पनीर टिक्के को मैंने इस तरह से लकड़ी की जो टूथपिक आती है उसमें इस तरह से लगा लिया है। आप चाहें तो जो बड़ी वुडन स्क्यूअर्स आती हैं उसमें भी पनीर टिक्के को लगा सकते हैं। मेरे पास अभी ये जो टूथपिक है वही अवेलेबल थी, तो मैंने उसमें ये पनीर टिक्का लगा लिया है। अब एक एक करके इन सारे पनीर टिक्कों को हमें ये जो ट्रे है उसके अंदर प्लेस कर देना है। थोड़ा थोड़ा सा गैप देकर हमें पनीर टिक्कों को ट्रे में रखना है, जिससे कि ये आपस में चिपके ना। मैंने सारे पनीर टिक्कों को बास्केट के अंदर रख दिया है। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा मेल्टेड बटर है, तो हल्का हल्का सा बटर पनीर टिक्के के ऊपर हम अप्लाई कर देंगे। इससे पनीर टिक्के में कलर भी काफ़ी अच्छा आएगा और इसका टेस्ट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। सारे पनीर टिक्के एयर फ्रायर में जाने के लिए रेडी हैं, तो बास्केट को हम एयर फ्रायर में लगा देंगे। यहाँ पर एयर फ्रायर के टेम्परेचर को हमें 200 डिग्री पर सेट कर लेना है और टाइमर को हमें इसमें 5 मिनट के लिए सेट कर लेना है। तो यहाँ पे 200 डिग्री सेल्सियस पे हमें एयर फ्रायर में 5 मिनट के लिए पनीर टिक्के को एयर फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद हमें बास्केट को बाहर निकाल के चेक कर लेना है। तो यहाँ पे जो पनीर टिक्के हैं वो अच्छे से एयर फ्राई हो चुके हैं। अगर आपको लग रहा हो कि अभी जो पनीर टिक्के हैं वो अच्छे से एयर फ्राई नहीं हुए हैं, तो आप 1 मिनट का टाइमर और सेट कर सकते हैं। अब सारे पनीर टिक्कों को हमें इस तरह से दूसरी साइड में भी पलट लेना है, क्योंकि सारे पनीर टिक्के अभी एक ही साइड से एयर फ्राई हुए हैं, इन्हें हमें दूसरे साइड से भी एयर फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने बास्केट को वापस से एयर फ्रायर में लगा दिया है और वापस से हमें पनीर टिक्कों को 5 मिनट के लिए 200 डिग्री सेल्सियस पे एयर फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने टेम्परेचर को 200 डिग्री पे सेट कर दिया है और टाइमर को भी हम 5 मिनट के लिए सेट कर देंगे और 5 मिनट के लिए हम इन्हें वापस से एयर फ्राई कर लेंगे। तो 5 मिनट यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं जो ये पनीर टिक्के हैं वो कितने परफेक्टली एयर फ्राई हो चुके हैं और इनमें बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। तो मैंने पनीर टिक्के को एक प्लेट में सर्व कर लिया है। एयर फ्रायर में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी पनीर टिक्के बनके तैयार हो चुके हैं। आप इन पनीर टिक्कों को हरी चटनी और प्याज के साथ सर्व करें। सो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल के बटन पे क्लिक कीजिए, जिससे कि मेरे वीडियोज की सभी नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंच सकें। मैं मिलती हूँ आप सभी से अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।